ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਦੇਖੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ देश अंदर दिनों दिन वध रही लक तोड़दी महंगाई ते वध रहे सब्जियां दे रेट गरीब दी जेबां ते डाका वजन दे बराबर ने दिनों दिन वध रहे सब्जी दे रेटा ने आम लोकां दा बजट हिला के रख दिता है जिथे पहला पेट्रोल अते डीजल दियां वधियां कीमतां लोकां नूं भुलाया नहीं भुलियां सी कि हुण सब्जी दे वधे रेट घर दी रसोई दा बजट हिला के रख रहे ने नाभा दी सब्जी मंडी विच सब्जियां दे भाव आसमान नूं छू रहे ने जो बीते समय दौरान आलू 10 रुपए किलो विक रहा सी वो आज 40 रुपए किलो हो गया है प्याज 40 गोभी 80 अते शिमला मिर्च 60 दे नाल नाल मटर 250 रुपए किलो हो गए ने गरीब लोग सब्जी खाने नूं तरस रहे ने नाभा दी सब्जी मंडी विच हर सब्जी दे रेट आसमान नूं छू रहे ने अते गरीब व्यक्ति सब्जी वेख के ही घर परतौंदा है गरीब व्यक्ति की सब तो सस्ती सब्जी आलू वह भी हुण 40 रुपए किलो हो चुकी है तो जे गरीब खावे तो की खावे इस मौके पर सब्जी मंडी विच सब्जी लैण आए अशोक कुमार ने कहा कि सब्जी के रेट इन्ने वध चुके हैं कि गरीब व्यक्ति खावे तो की खावे क्योंकि आलू प्याज टमाटर गोभी हर चीज़ के रेट गरीब की पहुँच तो बाहर ने 100 रुपए किलो की तेल महंगे चीज़ें सब इस टाइम अग लगी दी चीज़ा देख लो डेली दे आने जी स्वीट्स गोपाल स्वीट्स अच्छा तो आलू मटर होर मटर तो पूछो ही ना 200-250 रुपए किलो वो तो दिखे नहीं रहे 20 दिन तो महीने तो मटर का अच्छा बाकी आलू देख लो 15-20 रुपए होंगे से हम 35-40 रुपए किलो तो प्याज भी 35-40 रुपए किलो हो गया जो 10 रुपए कोई चकता नहीं फिर बुरा हाल हो जी सब्जियां का तो कुछ पिछले मीह बारिशा करके ही घट गई कुछ ऊँ भी अगला बता आता जो घट आवे अगला उही रेट चकता हूँ बजट क्या करिए हम काम छड़ नहीं सकते छड़ के करिए कि इस मौके पर सब्जी विक्रेता रहीम मोहम्मद ने कहा कि सब्जियां दे रेट वधन नाल गाहक भी साढ़े तो सब्जी लैन लई बहुत घट आ रहे ने अते जदों असीं सब्जी दे रेट दसदे हाँ तो गाहक साढ़े नाल लड़न लग पैंदे ने क्योंकि सब्जियां दे रेट इन्ने वध चुके ने कि सब्जी गरीब की पहुँच तो बाहर हो चुकी है सोचो जी की कहिंदे ने 20 वाला 40 रुपए किलो 45 रुपए मंडी च विकिया जी हाँ 70 रुपए बिक रहे वधिया कड़ा हिमाचल का कड़ा गंदा जहा टमाटर है हरा जहा की कहते ने सोच लो जी की कहते ने 60 रुपए बिकता दूंगा वधिया 70 रुपए किलो जी शिमला मिर्च जी कल की कहते ने उड़े मंडी च 60 रुपए बिकी है हाँ अज भी उही भाव चलता जी 60 रुपए मंडी का रेट है जी गोभी का देखो 80 रुपए किलो कल मंडी के टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे जी दुगने रेट हो गए सब्जी के जी सिर्फ लोकल सब्जी का कोई रेट नहीं है कद्दू का नहीं है करेले का नहीं है भरिंडी का नहीं किसी लोकल सब्जी का नहीं कि बाहर ले आँदी है हिमाचल की मीह के कारण सारी दुगने रेट हो पे रेडी लाने कस्टमर की कहते हैं मगर पेंदे नहीं जी हाँ तुम दुगने रेट लाने जी आया जी आया जी क्योंकि भी गाहक भी की करे भी इस करके की कहते दुगने रेट हो पे अगला गाहक कहता भी पता नहीं भी तुम ज़्यादा पैसे कमाने 10 वाली अगले नूं दुगने रेट मिलती है 20 रुपए मिलती है अगला कहती है रेट ना पुछो आलू हुण देखो 30 वाला 40 रुपए बिक रहे हैं ठीक है 1500 रुपए का कट्टा बिकता 1500 का 45 किलो आलू है 35 तो लैके 40 रुपए 35 रुपए पै जाता थोड़ा ठीक है जी प्याज है 20 रुपए वाला 30 रुपए किलो मंडी च हो गया कहाँ अगला मंगता है 30 रुपए किलो की करूँगा बंदा पुछो इस मौके पर खरीददार दविंदर सिंह ने कहा कि हर सब्जी के रेट बढ़ गए ने जिस करके गरीब नूं इस महंगाई के दौरान सब तो औख हो रही है पहला जिथे कोरोना वायरस की महामारी के कारण पहला ही काम ठप हो गए ने दूजे पासे हुण सब्जी के बढ़ रहे रेटा ने गरीब नूं सब्जी तो मुहताज कर दिता है देखो जी टमाटर 40 रुपये किलो है 70 रुपये किलो घटिया क्वालिटी का कड़ा टमाटर है 45 रुपये किलो गोभी 80 और 90 रुपये किलो जरा आलू है घट्टो घट 35 रुपये किलो जी उस बाद गाजर आ जाओ ये 40 रुपये किलो अरबी आ जाओ वह भी 40 रुपये किलो भिंडी है वह भी 30 रुपये किलो है जी शिमला मिर्च इन्नी महंगी हुई है साडा लक तोड़ता
ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 35-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।